गर्मियों के मौसम के बाद जब मॉनसून का सीजन आता है तो किसे अच्छा नहीं लगता। आसमान में जब काले बादल छाते हैं तो मन जैसे खुशी से झूमने लगता है। एक उम्मीद नजर आती है गर्मी से निजात पाने की। इंसान ही नहीं, पेड़ पौधे भी खुशी से लहलहाने लगते हैं। और फिर आती है बारिश, यानी कि बरसात। मन खुश हो जाता है, सारी गर्मी भूल जाती है। दिन भर की गर्मी के बाद की ये बरसात किसी वरदान से कम नहीं लगती। और कई बार बारिश के बाद फिर से धूप चढ़ आती है, जैसे एक नई शुरुआत हो। लेकिन बारिश के बाद हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी हवा में नमी तो रह ही जाती है। ये वाटर ड्रॉपलेट्स प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं। आपने अपने स्कूल की साइंस लैब में ग्लास से बनी हुई ऐसी प्रिज्म्स तो जरूर देखी होंगी। इन प्रिज्म्स में से जब लाइट पास करती है तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है, यानी कि वाइट लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूटिंग 7 कलर्स में स्प्लिट कर जाती है। इन 7 कलर्स के बैंड को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। बारिश के बाद हवा में मौजूद नमी या वाटर ड्रॉपलेट्स कुछ इसी तरह की प्रिज्म का काम करती हैं और अपने में से निकलकर जाने वाली वाइट लाइट का डिस्पर्शन करके उसको 7 कलर्स के स्पेक्ट्रम में तोड़ देती हैं, स्प्लिट कर देती हैं। यही 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम हमें कई बार बारिश के बाद आसमान में नज़र आता है, जिसको हम कहते हैं रेनबो। तो ये रेनबो एक ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमिना है और इसके पीछे डिस्पर्शन ऑफ लाइट की प्रोसेस है, जिसमें वाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट करती है और बनाती है एक खूबसूरत ब्यूटीफुल स्पेक्ट्रम। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले साइंस टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।